नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बोरिंग टेक्नीशियन कट ऑफ और एग्ज़ाम सॉरी रिजल्ट डेट के बारे में। और उत्तर प्रदेश में यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि न्यू वैकेंसी आई है, यूपी ट्रिपल एससी के अधीन है, जो कि आपको क्लर्क के रूप में मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्लर्क की वैकेंसी आई है। तो सबसे पहले तो मैं वैकेंसी डिटेल्स उसके बारे में आपको बताऊँगा, उसके बाद आपको नई जानकारियाँ दूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी के अधीन जो वैकेंसी है, क्लर्क की वैकेंसी आई है, ग्रुप सी की वैकेंसी होगी। उसकी शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार को किसी मान्य प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। दोस्तों मेरे पास इसका PDF भी है, अगर आपको चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगा। कृपया अधिक जानकारी के लिए आपको यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। उसके बाद उम्मीदवार की आयु सीमा आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये हमारा 4 तारीख का लिपिक की भर्ती का है, जो 4 जुलाई में अपडेट किया गया दिनांक। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, 4 जुलाई में इसको अपडेट किया गया है। अब मैं थोड़ा निकट लेकर चलता हूँ। उपयुक्त विषय शासन के पत्रांक इतने का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी शिक्षणोत्तर पदों समूह गए के चयन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ कर इस संबंध में सत्र 22-23 में प्रश्नगत पदों को भरने हेतु समय सारणी का निम्नवत संबंधित स्थान प्रबंधों द्वारा संस्था में लिपिक श्रेणी के रिक्त पदों का विवरण संबंधित जिला निरीक्षक को प्रेषित किया जाना है 11/7/2022 तक, ठीक है। उसके बाद संबंधित जिलाधिकारी दो पदों की पुष्टि औचित्य 26/7 तक, मृतक आश्रित का भी कोटा इसमें रहेगा। शिक्षा निदेशक माध्यमिक द्वारा नियमों के आलोक में औचित्य आवश्यक परीक्षणोपरांत पदों को भर जाने हेतु आदेश निर्गत किया जाना है 10/8/22 तक। उसके बाद यहाँ पर विनियम 101 के अंतर्गत संबंधित प्रबंधक पद को भर जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी 19/8/22 तक। उसके बाद मैं नीचे लेकर चलता हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट एवं जनपद में सर्वाधिक प्रसार वाले जिला सूचना अधिकारी सूचना दी गई है। सूचना के प्रथम 5 में से कम 2 राज्य समस्त आरक्षणवार पदों का विज्ञापन करना सुनिश्चित है। कम से कम 2 राज्यों राजकीय समाचार पत्रों में आवेदन पत्र भरने कम से कम 21 दिन का समय दिया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा अपना आवेदन पत्र संबंधित विद्यालय को रजिस्टर डाक के माध्यम से प्रेषित किया जाना तथा उसकी छायाप्रति जिला विद्यालय निरीक्षक को उसके मेल आईडी द्वारा प्रेषित किया जाना अनिवार्य है। संस्था प्रबंधक द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को अभ्यर्थी द्वारा पैट के प्राप्त स्कोर्स के आधार पर मेरिट सूची तैयार कराई जाएगी। मेरिट के आधार पर एक पद पर 10 आवेदकों को कंप्यूटर टंकण परीक्षा में बुलाया जाएगा। कंप्यूटर टंकण क्वालिफाई परीक्षा होगी, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पैट में प्राप्त स्कोर के आधार पर मेरिट सूचना बनाई जाएगी। विज्ञप्ति पदों के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षरता के लिए आमंत्रित किया जाएगा। समिति द्वारा अभ्यर्थियों का चयन 20 अंकों का रहेगा। जैसे ही आपको फुल PDF यहाँ पर मिल जाएगा, हम आपको बता देंगे आपको फॉर्म कैसे भरना है, कितनी इसमें वैकेंसी रखी जाएगी और कितनी नहीं रखी जाएगी। मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि पैट स्कोर की पुष्टि सत्यापन संबंध जिलाधिकारी के माध्यम से कराई जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा उक्त कार्य हेतु जनपदीय अधिकारी को नामित किया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब बात कर लेते हैं आपकी बोरिंग टेक्नीशियन कट ऑफ और रिजल्ट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, कट ऑफ जो आने की उम्मीद है वो हमारी कट ऑफ 2nd वीक में आने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन नहीं आ पाई। तो देखिए, इस माह के अंत तक शायद आपका कट ऑफ आपके आंसर किया जाए और रिजल्ट उसके कम से कम 1 महीने बाद ही घोषित हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि आपकी जो सूची होगी वो कट ऑफ आने के 1 महीने बाद ही कम से कम पूर्ण रूप से तैयार की जाएगी। फिर हम आपको बताएंगे कि आगे आपको किस किस डॉक्यूमेंट को लेकर कैरी करना है। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, वेलकम।